गंगा के किनारे, और निर्णय नहीं हो पा रहा था कि व्यास आसन पर कौन बैठे जो सभी प्रश्नों के जवाब दे सके और सुंदर भगवान की व्याख्यान सुना सके। लेकिन नग्न अवस्था में विचरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहीं से आ निकले अचानक, और बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी के और देखे हुए, और व्यास आसन के ऊपर आसीन हो गए, चढ़ गए, बैठ गए। परीक्षित महाराज ने और सभी ऋषि मुनियों ने, वहां पर वेद व्यास जी भी मौजूद थे, सब ने झुक करके उनको प्रणाम किया। ये स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, पूर्ण प्रकाश सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। परीक्षित महाराज ने घुटने टेक करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे राजन, मेरा हृदय कहता है आप मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे, लेकिन मेरे दो ही प्रश्न हैं, उनका मुझे जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है कि मरणसन्न अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य हैं उसके, जिस मरण सैया पर पड़ा है, अब मरेगा, एक घंटे में मरेगा, आधा घंटे में, चार घंटे में मरेगा, कल मरेगा, मरण सैया पर है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है जो इस जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहे उसके क्या कर्तव्य हैं। सुखदेव गोस्वामी ने दोनों ही प्रश्नों को एक ही जवाब में गिरा दिया। उनका जवाब था कि जो मरणासन्न अवस्था में पड़ा है उसको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और शरीर त्यागना चाहिए, उसकी परम गति हो जाती है परीक्षित। और जो जीवन में आनंदित रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, और जीवन के बाद भी वो आनंद में प्रवेश करना चाहता है, उसे भी भगवान श्री कृष्ण का ही भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मूर्छित लोग मुझे नहीं जानते, कोई भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई निराकार में अभ्यास कर रहा है, कोई संसार में अभ्यास कर रहा है, कोई करोड़पति बनने का अभ्यास कर रहा है, कोई हीरो बनने का अभ्यास कर रहा है, मूवीज में जाकर, फिल्मों में जाकर हीरो बनेगा, कोई अपने शरीर को फैला रहा है कुश्ती लड़ने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए, कोई स्मार्ट चोर बनना चाहता है, पॉपुलर डकैत बनना चाहता है, कोई पॉपुलर सीट पर बैठना चाहता है, कोई मान प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, भगवान को जानने के लिए फुर्सत किसको है। अब जानंती माम मूढ़ा, ये मूर्ख लोग मुझ परमेश्वर को, परमानंद स्वरूप को नहीं पहचानते, मेरी तरफ आने का प्रयास नहीं करते, और मैं मनुष्य के शरीर में होने के कारण मनुष्य जैसा ही स्वरूप मेरा है, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान का परम स्वरूप गोपाल का है, गोपाल ग्वाले का, भगवान जैसे ग्वाले का वेश होता है, हल्के फुल्के वस्त्र, कमर में काछनी, हाथ में लकुटी, हाथ में कमर में बंसी, मुरली, वेणु, मोर पे मयूर पंख सिर के ऊपर, सुंदर कमल दल जैसे नेत्र, परम सुंदर नेत्र जिनके हैं, ऐसा कोई परम पुरुष है वो कृष्ण है, जिनके नेत्रों में करुणा के सागर लहरा रहे हैं, दया के सागर लहरा रहे हैं,
प्रेम की बाढ़ आ रही है, ज्वार भाटा प्रेम की लहरें उठ रही हैं, प्रेम स्वरूप है। ऐसे नेत्र, ऐसे शीतलता प्रदान करने वाले नेत्र, आनंद प्रदान करने वाले नेत्र भगवान श्री कृष्ण के हैं, परम पुरुष के, पुरुषोत्तम के हैं। लेकिन उनका शरीर मनुष्य का जैसा है, उनकी अति कृपा है कि हमको उन्होंने मनुष्य जैसा शरीर बनाया और दिया भी। फिर भी हम अभागे हैं जो उस पुरुषोत्तम को नहीं पहचानते, जो हमारा असली पिता है, जिनके हम अंश हैं, संतान हैं। जीसस क्या कहते हैं? जीसस कहते हैं दी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, उस भगवान की परिवार है सारा, वासुदेव कुटुंब सर्वम, सभी वासुदेव भगवान का, वासुदेव श्री कृष्ण का कुटुंब है। लेकिन अहंकार ये स्वीकार करना नहीं चाहता कि अनंत ब्रह्मांडों को कंट्रोल करने वाला एक देवकी पुत्र हो सकता है, या यशोदा के आंगन में गेंद को मचलने वाला कोई सांवला बालक हो सकता है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, भगवान कहते हैं कि मेरा जो श्री विग्रह है ये महाईश्वर का विग्रह है, मेरा जो भाव है, जो हृदय में भाव उठते हैं, वो परम भाव है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हमारे हृदय में भाव कितने उठते हैं हाथ रख के देखेंगे तो मालूम चलेगा, या मन ही काम करता है 24 घंटे भूत की तरह, मन के अंदर भाव नहीं उठते, विचार उठते, मन के अंदर ही संसार है, संसार शुरू ही मन से होता है, मन के अंदर विचार उठते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, उसे तोड़ दूं, इसे फोड़ दूं, इसे खड़ा कर दूं, इसे मार दूं, इसे जला दूं, ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, सारे मन के विचार हैं, भाव नहीं। भाव तो हृदय से प्रकट होते हैं, इन भावों का भी स्वरूप है, बुरे भाव प्रकट हो जाएं तो तुम्हारी गति खराब हो जाती है। बुरे भाव जब प्रकट होते हैं तब आदमी यहां पर आकर के कुछ भी उल्टे सीधे काम करता है, भारत में भी करता है, भारत से आकर यहां पर आकर के बड़ी बड़े स्टोर खोलता है, माल चलाता है, सुपरमार्केट खोलता है और बीफ बेचता है, सभी तरह का मीट बेचता है। भारत में अच्छा था वो, वहां खेती करता था और परचूनी की दुकान करता था, सुंदर दुकान थी, कोई कपड़े की दुकान थी, किसी के जूते की दुकान थी, वह ठीक था। या डॉलर का लालच, ऑर्डर देता है कि कल इतना पाउंड बीफ लाना, 200 पाउंड, 500 पाउंड, सुपरमार्केट चलाता हूं, वो कहता है कि कल 8 गायें काटकर मुझे लाना, 8 गायों की हत्या करना, मुझे लाना काट के, मैं बेचूंगा, डॉलर 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 इकट्ठे हो जाएंगे, नोट भर जाएंगे मेरी तिजोरियों में, मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, फिर यहां भी दिखलाऊंगा बड़ी बड़ी कारों में घूम के और एरोप्लेनों में उड़ के भारत वालों को दिखलाऊंगा कि मैं कौन हूं। ये अहंकार भरा मनुष्य अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण, अपने भोग विलासों के कारण, अपने अहंकार को फुलाने के कारण सब कुछ भूल जाता है, फिर भगवान उसको कहां से याद आएंगे।
भगवान को याद करने के लिए तो कुछ तो आपके पास पवित्र शरीर चाहिए, पवित्र आसन चाहिए, पवित्र घर चाहिए, पवित्र किचन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए आपके हृदय में, तब जाके थोड़ा भगवान की ओर आंखें खोलते हो या चलने लगते हो, कहिए, या भगवान की विंडो आपकी ओर खुलती है। बुरे विचारों में कुछ नहीं होता, बुरे विचारों में तो बुरे काम होते हैं, बुरे भाव उठे तो बुरे काम होते हैं, कुभाव उठे तो बुरे काम होते हैं, नहीं स्वभाव उठनी चाहिए, स्वभाव, आत्मा का भाव। स्वभाव ही नाम शब्द दिया है आपका, ओरिजिनल स्वभाव, आत्मा स्वरूप से जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, शुद्ध कार्य करना, पाप कार्यों से बचना, धर्म कार्य करना, पुण्य कार्य करना, यह आत्मा का स्वभाव है। भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान सर्वत्र है। आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है। आपके पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, परिवार में अन्न नहीं है खाने को, और आपके पास धन है और अन्न भी है, क्या आप मदद नहीं कर सकते? क्या उस उन लोगों में आप परमेश्वर को नहीं देख सकते? उन लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते? उनकी मदद करनी चाहिए। मदद शब्द तो बनाया है, लेकिन उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्वदैन फूल से, मीठी वाणी से, नजदीक बैठ करके, पानी पिला करके, किसी भी रूप से, जहां भी आप सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, पेड़ों में भी। किसी पौधे को, आपके घर में पौधे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। अपने बच्चों को निलाते हैं, निखारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, ये भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान को जान लो तब भगवान की सेवा है। यदि यही जाना कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा, तो भगवान को आप नहीं पहचाने कभी भी, 1% भी। सर्वत्र सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में, पेड़ पौधों के हृदय में भी भगवान विराजते हैं। किसी पौधे के पास भी आप किसी कीड़े को भी मारो तो साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि वो पौधा कांप जाता है। हालांकि पौधे को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, पौधे के नजदीक में एक कीड़े को मारा तो भी वो पौधा कांप जाता है। वहां भी भाव है, वहां भी विचार है। ये तमाम सृष्टि लयबद्ध है। जहां कोई मर रहा है वहां कुछ हमारा मर रहा है। इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुद्धता चाहिए, और भावना में शुद्धता तभी आती है तब हम शुद्ध कार्यों में उतरें, शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें, शुद्ध के साथ बैठें, उठें, तब आपकी भावना शुद्ध होती है। उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना। शुद्धम शरणम गच्छामि, उस शुद्ध की शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, उस बुद्धिमान की शरण में जाओ जिसको परम ज्ञान है। धम्मम शरणम गच्छामि, उस धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभावी धर्म है, आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव
प्रेम स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, क्षमा स्वरूपा, दया स्वरूपा, जो ओरिजिनल ओरिजिनल नेचर है आत्मा की, उसकी शरण में जाओ। ये कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस लेकर के संसार में दुख पा रहे हो, बार बार जन्मते हो, मरते हो, बीमारियों में सड़ते हो, गड़ते हो, अपमानित होते हो, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो, फिर त्याग के जाना भी पड़ता है इसको। लेकिन उसकी शरण में आने से आपकी अधोगति नहीं होती, आप नीचे को नहीं गिरते, आप ऊपर को चढ़ते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं, आप आनंद की ओर चढ़ते हैं, ज्ञान की ओर चढ़ते हैं। सच पूछो तो आप उस असली सम्राट की सीट को प्राप्त करने के लिए चढ़ते हैं, जिसको परम पद कहा है, जिसको विष्णु पद कहा है, जिसको अजर अमर पद कहा है, वैकुंठ जगत कहा है, जहां आप परमानंद हैं। तो आप आनंद की खोज में, लेकिन कनिष्ठ के टुकड़ों में आनंद मिलता है, ये रॉल्स रॉयस हो या एरोप्लेन हो या कुछ लेक्सस हो, मर्सिडीज हो, नहीं, इनमें आनंद नहीं मिलता। इनका इस्तेमाल करो, लेकिन उस परमानंद को ना भूलो, उस परमेश्वर को ना भूलो। परमेश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा, परमेश्वर की सेवा से वंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे, कलेश मिलेंगे, भटकोगे, फंसे रहोगे दलदल में, जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म मरण जरा व्याधि, ये चक्कर लगते रहेंगे आप बार 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 बार। कर्मों से गिर जाओगे तो पशु जानवरों में फिर जन्म होते जाएंगे, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा। ये आत्मा अपनी कर्मों की, अपनी भावना से आगे जाती है। भावना गंदी है, मलिन है, तो मलिन स्थान में जाके जन्म लेती है। कॉन्शियसनेस को निखारना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग, भगवान का, भगवान की कथा सुनने से आपको लाभ मिलता है। हियरिंग मेडिटेशन, श्रवण कला जो है, एक ध्यान की कला है, और सबसे प्रथम और टॉप कला है कि एकमात्र भगवान की कथा, वार्ता, ग्लोरिफिकेशंस, कीर्तन सुनते सुनते आप भगवान के प्रेमी बन जाते, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं सुनते सुनते। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के विशेष साधन हैं। इनमें से कोई व्यक्ति एक को भी पूरी तरह से साध ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त, इटर्नल आनंद को प्राप्त कर लेता है, इटर्नल पीस सदैव उसके पास होता है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान को ग्लोरीफाई करना, कीर्तन करना उसका, भगवान का, सर्वत्र वो है, फूलों में, कलियों में, कोयलों में, चिड़ियों में, बाजों में, सिंहों में, हिरणों में, मछलियों में, मगरमच्छों, हाथियों में, गधों में, घोड़ों में, आप में, मोह में,
जमीन में आसमान में सर्वत्र वो है, कण कण में भगवान है। आप उनको आदर दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका पूजन कीजिए। लोग पीपल का पूजन करते हैं, पीपल वृक्ष का, ये जान करके कि पीपल वृक्ष में भी विष्णु भगवान परमात्मा छुपे हुए हैं। सत्य है, अगर इतना जानते हैं तो पीपल का पूजन करने से, पीपल को जल चढ़ाने से, खाद देने से, पीपल को प्रेम देने से आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा आपको मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे एक किसान अपने खेत में खेती करता है और अपनी सभी फसल के पौधों को प्रेम करता है, अवश्य वो भगवान को ही प्रेम करता है, लेकिन यदि अनकॉन्शियस है, भगवत ज्ञान नहीं है उसको, तो फिर वो अपने अन्न की रक्षा करता है, अपने पेट की रक्षा करता है, भगवान की नहीं, भगवान की सेवा नहीं करता। यदि किसान को ये ज्ञान हो कि तमाम पौधों में वो परमात्मा समाहित है, देखिए कैसे लहरा रहा है, सरसों फूल रही है, फूल खिल रहे, सारी वसुंधरा पीली हो गई, हे प्रभु तेरा इतना सुंदर रंग, पत्ते पत्ते में आप प्रभु आपके हस्ताक्षर है, आप विराजे हुए हैं, आपको मैं जल पिलाऊं, आपको खाद डालूं, आपकी रक्षा करूं, जंगली जानवरों से बचाऊं, चोरों से बचाऊं, आपको प्रणाम करके जब पक जाए धान तो घर लाऊं, सबसे पहले आपको भोग लगाऊं और परिवार को खिलाऊं, जो भी कुछ करूं शुद्धता से, ये भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, भगवान का कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है, ये भगवान की भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति, तो भगवान को तत्व से जान लेते हो, जब पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नर बानरों में, देवी देवताओं में भगवान समाहित है, तो क्या भगवान सर्वत्र नहीं है? सर्वत्र है। तो आपका इतना सुंदर रूप है, इतनी सुंदर वसुंधरा है, चांद तारे हैं, सुंदर फल हैं, बच्चे हैं, सुंदर चिड़िया हैं, किलकारियां भरती हैं, बच्चों की जमाते हैं, कोयले कूक रही हैं बागों में, इन सबका रूप है, कितने रूपवान हैं। और इस वसुंधरा के, इस धरती के बाद में कोई रूप ही नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई दुर्गा नहीं है, आपकी पृथ्वी से आगे कुछ है ही नहीं। तो आपके ज्ञान किवाड़ बंद है, कहिए कि आप अज्ञान की तरह, अज्ञानी की तरह अंधेरे में भटक रहे हैं, मूर्ख की तरह, अवजानंती माम मूढ़ा, फिर उस परमेश्वर को कैसे पहचानोगे? पृथ्वी से आगे किसी चीज को मानते ही नहीं। यह तो सत्य की लिमिटेड, हमारी अपूर्ण इंद्रियों से, आंखों से हमने नहीं देखा ब्रह्मा जी, लेकिन शास्त्र इसका कथन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण कथन कर रहे हैं, बुद्ध कथन कर रहे हैं, गुरु नानक देव कथन कर रहे हैं, महावीर स्वामी कथन कर रहे हैं, लॉर्ड जीसस कथन कर रहे हैं, ये क्या सब झूठे हैं? या आपको भ्रमित कर रहे हैं, या आपको धोखे में रख रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये जाना है, पहचाना है, देखा है। चैतन्य महाप्रभु जी दीवाने थे, पागल थे, मीराबाई की तरह ही कृष्ण जी के प्रेम में, तो उन्होंने कृष्ण को पहचाना।
हर हर नाम जपन त्या कछु न कहे जमकाल, किछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। गुरु नानक देव जी ने उपदेश किए संसार को, अरे मन, हे सांसारिक मन, हे यूनिवर्सल माइंड, उस प्रभु को पहचानो, प्रभु की शरण में आओ, उनको रिझाओ, उनको प्रेम करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, एक पत्ता हो, एक फूल हो, एक फल हो, कुछ भी नहीं है, जल तो होता होगा, जल भी अर्पण कर दो। किसी प्यासे को जल इस भाव से पिला दो कि परमेश्वर मेरे द्वारे आया, जल पी रहा है, मेरे हाथ से प्रणाम कर दो। तो जल चाहे किसी ने भी पिया हो, चाहे गधे ने भी पिया हो, वो जल परमेश्वर को प्राप्त होता है। भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात्मना, तदम भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात्मना, मेरे प्रेमी प्रेम भाव से भरे भक्त के हाथ से यदि मुझे जल का ग्लास मिल जाए पीने को, तो उसको मैं पी लेता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और ये साइंस भगवान की इतनी परम है कि आपने जिस भाव से वो जल प्रदान किया है, किसी को पिलाया है, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यदि परमेश्वर भाव से आपने जल पिलाया है तो, यदि कोई प्यासा होगा, कोई प्राणी बेचारा, कोई जीव आत्मा, कोई गधा घोड़ा या कोई भिखारी, इस भाव से, या मेरा अतिथि, इस भाव से पिलाया, तो ये अतिथि और गधे घोड़े को ही प्राप्त होता है, परमेश्वर को नहीं। आपके भाव की बात है सारी। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ग्रैंड ओपनिंग, अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, 114-15 अटलांटिक एवेन्यू, रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क। तेरे किसी भी जानकारी ली लिखे नंबर पे कॉल करो, अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, रिचमंड हिल। प्रार्थना किसी भी अवस्था में, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे अजीवन की तृष्णा, सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओ सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह प्रार्थना प्रयत्न के साथ प्रार्थना, कृष्ण 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 श्री राधे। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर।